Hello students, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about nucleus. इस वीडियो में हम न्यूक्लियस से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनके इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स, सारी चीज़ों के बारे में, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस. पहले हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में. तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. केंद्रक की खोज 1831 में एक अंग्रेज जीव विज्ञान रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. इट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एग्जॉर्टिंग अ कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑन ऑल सेल एक्टिविटीज. या कोशिका का जो होता है महत्वपूर्ण भाग होता है जो सभी कोशिका गतिविधियों पर नियंत्रण प्रभाव डालता है. ठीक है, सारी सेल, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है. कौन? सेल, न्यूक्लियस. इट इज यूजली स्पेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर. ये जो होता है वो यूजली ओवल शेप का होता है या फिर स्पेरिकल शेप का होता है. कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं? तो ये इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. सेल के सेंटर पे ये प्रेजेंट होते हैं. ये क्या है? सेल का स्ट्रक्चर है और इनके सेंटर पे ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये ज़्यादातर कोशिका के केंद्र में स्थित होती है. नेक्स्ट इज फंक्शन. हम अब बात करेंगे न्यूक्लियस के फंक्शंस की, कि न्यूक्लियस फंक्शन क्या करता है. द न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि मैंने अभी देखा कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है किस शेप में? तो स्पेरिकल शेप में. तो यही है क्या? न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. दैट कंटेन द सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. केंद्रक एक झिल्ली से बंधी संरचना है, ठीक है, जिसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है. ठीक है, और यह कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करती है. मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके अपने अंदर रखता है. ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और ये क्या करता है? सेल ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज इट इज कॉमनली द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गनल इन द सेल. प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रमुख. ठीक है, यह आमतौर पर कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है. ठीक, सेल के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको प्रोमिनेंट ऑर्गनल भी कहते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. केंद्रक की जो संरचना होती है वो किससे घिरी हुई रहती है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है. मतलब कि उसको केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं. जैसे कि आउटर लेयर है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये पूरी तरह से क्या है? कवर्ड है. किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये क्या करता है? मेम्ब्रेन क्या करता है? न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म से अलग करता है न्यूक्लियस को. यह झिल्ली केंद्र की सामग्री को साइटोप्लाज्म से अलग करके उसको रखती है. द सेल्स क्रोमोजोम आर ऑल्सो हाउस्ड विद इन द न्यूक्लियस. जो सेल्स क्रोमोजोम्स होते हैं वो भी किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करके रखे हुए रहते हैं. कोशिका के गुणसूत्र भी कोशिका के भीतर स्थित होते हैं. इसी के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. क्रोमोजोम्स कंटेन डीएनए. क्रोमोजोम क्या करते हैं? डीएनए कंटेन करते हैं विच प्रोवाइड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन. गुणसूत्रों में डीएनए होता है. ठीक है, क्रोमोजोम्स में क्या होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो उत्पादन के लिए आवश्यक आनुवांशिक जानकारी प्रदान करते हैं. जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पहुंचाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ठीक है, यह सेल का स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये पिंक कलर का. इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स ब्लू कलर के प्रेजेंट हैं और इसी क्रोमोसोम्स को यहाँ पे जूम करके दिखाया है कि ये क्या है? क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है. और जब हम क्रोमोसोम्स को खोलते हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है. ठीक है, इसके अंदर डीएनए कंटेन करके ये रखता है. एक क्रोमोसोम्स में एक डीएनए प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में. तो एवरेज का डायमीटर जो होता है वो न्यूक्लियस इज 6 माइक्रोमीटर. जो मतलब कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये सेल जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसकी जो डायमीटर होती है वो 6 माइक्रोमीटर होती है. विच ऑक्यूपाई अराउंड 10% ऑफ द वॉल्यूम. ये क्या करता है? सेल का 10% वॉल्यूम, जगह, स्पेस, ठीक है, कवर करके रखता है. किसके अंदर? सेल के अंदर.
नाभिक का औसत व्यास जो होता है वो 6 नैनोमीटर होता है, जो कोशिका आयतन का लगभग 10% होता है। ये कोशिका के आयतन में 10% जगह लेके बैठा हुआ रहता है, अपना कवर्ड किया रहता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ मेनी पार्ट्स, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, ठीक। इतने सारी चीज़ों से ये क्या हमारा न्यूक्लियस बना हुआ होता है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, हम न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है। फर्स्टली वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर इन्वेलप, तो ये बात करते हैं। द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को घेरने वाली दोहरी परत वाली झिल्ली, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। The nuclear envelope has pores that allow the passes of the material into and out of the nucleus, also called nuclear membrane. हम nuclear envelope को nuclear membrane भी कह सकते हैं क्योंकि nuclear membrane के ऊपर ही nuclear envelope लगा हुआ रहता है, ठीक। और ये क्या करता है, pass in and out करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, materials, ions, सारी चीज़ें in and out, pass out करता है, मतलब कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर सामान को भेजता है। परमाणु लिफाफे में छिद्र होते हैं, ठीक है, ये इन्वेलप में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जो सामग्री को, मतलब कि आयन्स को, मॉलिक्यूल्स को नाभिक के अंदर और नाभिक के बाहर जाने की अनुमति देते हैं, परमाणु झिल्ली कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, ये इसके ऊपर जो प्रेजेंट है ये है हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, और इसके बीच बीच में देखिए पोर्स दिख रहे हैं जो कि क्या करते हैं, आयन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। इसी को हम और अच्छे वे में देखें तो ये इसी पार्ट को जूम करके दिखाया हुआ है, इसी पोर्शन को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो देखिए ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन और ये है इसका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स लगे हुए होते हैं जिसके अंदर से आयन्स और मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोलेमा और कैरियोथीका, एक परमाणु झिल्ली जिसे न्यूक्लियोलेमा भी कह सकते हैं और कैरियोथीका भी कहा जाता है। इट इज फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, ये क्या होते हैं, किस कैसे बने होते हैं, लिपिड्स के दो लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनको फॉस्फोलिपिड बाईलेयर कहा जा रहा है। बाईलेयर मतलब कि दो लेयर फॉस्फोलिपिड का। मेम्ब्रेन विच सराउंडेड इनर द जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस इन यूकैरियोटिक सेल, ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स को और न्यूक्लियोलस को पूरी तरह से कवर किए रहते हैं, कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लिपिड्स बाई लेयर, द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन दो तरह से डिवाइडेड हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये बाई लेयर अरेंज्ड होते हैं। केंद्रक झिल्ली में दो लिपिड्स विस्टर होते हैं, आंतरिक केंद्रक झिल्ली और बाहरी केंद्रक झिल्ली। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, जो कि हमारे न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियोलस टेक अप अराउंड 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियोलस का 25% जगह कवर किए रहता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के आयतन का लगभग 25% हिस्सा लेता है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA, ठीक है, यह स्ट्रक्चर किससे बनी हुई होती है, तो प्रोटीन से और राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनी होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम RNA भी कहते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज रीराइट राइबोसोमल RNA एंड कंबाइन इट विथ प्रोटीन, इसका जो मुख्य काम होता है वो राइबोसोम RNA को फिर से दोबारा बनाता है और फिर क्या करता है, इसे प्रोटीन के साथ जोड़ता है, इसका काम होता है मेन, ठीक है, कि इसको दोबारा से राइबोसोमल RNA बनाना और उसको प्रोटीन के साथ जोड़ना। दिस रिजल्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द इनकम्प्लीट राइबोसोम, ठीक, न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोमल RNA को दोबारा से बनाता है और फिर उसे प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, मतलब कि जोड़ता है, और वो दोनों मिलके RNA और प्रोटीन मिलके कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बनाते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की।
क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल. एनिमल और प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रोमोसोम्स है और इसको जब खोलेंगे तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लंबे में हमें दिख जाएगा. गुणसूत्र धागे जैसी संरचना है जो जंतु और पादप कोशिका दोनों के केंद्रक में पाई जाती है. अब इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या करता है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बनाता है, और एक मॉलिक्यूल किसका, डीएनए का एक मॉलिक्यूल ये बनाता है. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं. ये क्रोमोसोम्स है और इसके इसको खोलेंगे तो हमारा एक डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की. इट इज जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द सेल. जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसके अंदर पूरा जेल लाइक स्ट्रक्चर, वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म पूरा फैला हुआ होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर कंटेन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म. ठीक है, सेल के अंदर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म की तरह नाभिक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसे कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है. द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो एक तरह प्रोटोप्लाज्म का एक प्रकार है. दैट इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर. ये किससे बना हुआ होता है, तो ज़्यादातर वाटर से मिलकर बना हुआ होता है. अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल, ये क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है. ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डिजॉल्व आयन, ये मॉलिक्यूल से और आयन्स के बहुत सारे मिक्सचर से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटरी, ठीक है, वाटरी फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म एक प्रकार का प्रोटोप्लाज्म है जो ज़्यादातर पानी से बना होता है, विभिन्न अणुओं का मिश्रण होता है और आयन्स घुल जाता है. उसके अंदर बहुत सारे आयन्स होते हैं और बहुत सारे अणु होते हैं जिनसे ये मिलके बना हुआ होता है और ये पानी की तरह होता है. इट कम्प्लीटली इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप. ये कहाँ पे इंक्लोज होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप पे ये इंक्लोज होता है. इट कंटेन मैनी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये बहुत सारी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखता है. यह पूरी तरह से परमाणु झिल्ली या परमाणु लिफाफे के भीतर बंद होता है. ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा न्यूक्लियर एनवलप है और ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये हमारा न्यूक्लियोरस है. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्रोमैटिन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये किससे अटैच्ड होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या फिर एनवलप न्यूक्लियर एनवलप से होती है. जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन. यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रोमैटिन.